भारत माता की, भारत माता की। सभी यहां उपस्थित सब परिवारजनों से अनुरोध है, सब कुर्सियों पर बैठ जाए, सब पीछे कुर्सियों पर बैठ जाए। ये पंडित जी बैठो, अब मत खड़ा दिखना। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सब परिवार के साथीगण आदरणीय कमलनाथ जी के लिए जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे, पीछे से आगे तक और दाएं से बाएं तक। आदरणीय कमलनाथ जी, मैं विनय भैया जरा एक बार शांत हो जाओ सब। पंडित जी बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ पंडित जी, वहीं बैठ जाओ पंडित जी। सचिन बैठ जाओ, थोड़ा सा जरा यार बैठ जाओ। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने परिवार के हमारे यहां साथी हैं, आपने एक युद्ध किया शुद्धि के लिए, आपने मेट्रो ट्रेन इस शहर को बिना वोट लिए दी। सिर्फ इंदौर शहर 50 साल बाद कैसा होगा भावी पीढ़ी के लिए, उसके लिए कभी भाषण नहीं दिए, घोषणा नहीं की, चुनाव की बात नहीं की, पर मेट्रो जैसी सौगात जो इंदौर शहर का हक 20 साल पहले था वो आपने आने के 6 महीने में दिया। 165 नंबर स्कीम जो ये राव की थी, जितनी आईडिया की स्कीम जगह जगह थी, यहां पर चुनाव होते थे और नेता आते थे, भाषण देते थे और कहते थे हम 165 नंबर स्कीम हटा देंगे, पर आज तक सिर्फ भाषण हुए पर काम नहीं हुआ। जब यहां लोकल नगर पंचायत के चुनाव हो रहे थे तब 165 को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह आए, उन्होंने कहा आप इधर वोट दो, 165 गायब करना मेरा काम है। आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं साधुवाद देता हूं सर आपको, आपके पूरे राव परिवार के लोग जो किसान हैं, 165 नंबर स्कीम का जो आपने पूरे मध्य प्रदेश के लिए योजना बनाई, जो 20-20 साल पुरानी स्कीम्स है, जो आईडीए की विकास प्राधिकरणों की, उनका निपटारा करने की, उनको समाप्त करने की, मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं आपको। आल्फा अवार्ड आल्टा का फिल्मों का कार्यक्रम, पहले हम लोग बंबई जाते थे, बंबई की फिल्मों में चित्र आते थे तो फिल्म हिट हो जाती थी, वो बंबई के लोगों को आप इंदौर शहर में लेके आ रहे सर, आपने इंदौर का पूरे देश में गौरव बना दिया, हम साधुवाद देते हैं। और सबसे बड़ी बात सर जो आपने की, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये माफियाओं के खिलाफ जो युद्ध है कैसा है, फिर से समझ में नहीं आया मुझे, एक बार शांत। ये माफियाओं के खिलाफ जो युद्ध हो रहा है और कितना प्रेशर है हर तरीके का, पर दृढ़ संकल्पी व्यक्ति आपके सामने बैठा है, जरा जोरदार माफिया के खिलाफ अगर युद्ध पसंद हो तो तालियों से स्वागत करो। आदरणीय सर, ये इधर ढोल बंद कराओ, इधर ढोल बंद कराओ, ये ढोल बंद कराओ, आपके ना पीछे से आ जाओ जो भी है, ढोल बंद कराओ। सर सबसे बड़ी बात राव विधानसभा की, मैं पिछले 2 साल से आपके संपर्क में सक्रिय रूप से आया, पहले तो था सर तो समय थोड़ा थोड़ा मिलता था, पर पिछले 2 साल से आपने एक बच्चे एक बेटे के रूप में मुझे आशीर्वाद दिया। मैं जो सीखा आपसे वो सबसे महत्वपूर्ण कि छिंदवाड़ा की सेवा कमलनाथ कैसे करते वैसे मैं राव की सेवा कैसे करूं, ये गुण सीखा मैंने आपसे सर। ये यार ये बंद कराओ यार, ये ढोल बंद कराओ, ये ढोल बंद करा दो जरा जल्दी जाके, बंद कराओ इसको, पहले जाके कराओ, यहीं से मत बताओ किसी। सर आज भूमि पूजन हुए लगभग 857 करोड़ रुपए के, आज भूमि पूजन हुए। ये 15 कार्य सर अलग अलग पढ़ के बताऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा। फिर आज लोकार्पण हुए 50 करोड़ के सर, इसी राव विधानसभा के, और जो किसानों की ऋण माफी हो रही है ये 18 करोड़ रुपए की पूरी राव विधानसभा के किसानों की हो रही है। और सबसे बड़ी बात सर 451 करोड़ रुपया आने वाली भावी योजनाओं के लिए बजट में सेंक्शन कराए, जो आपने इसके लिए जरा जोरदार कमलनाथ जी का स्वागत एक बार फिर से होना चाहिए। तो कुल मिला के
लगभग 1300 करोड़ रुपए के, अभी सब 500 करोड़ की बात कर रहे थे, कोई 800 करोड़ की बात कर रहा था, मैं सुन रहा था, पर 1300 करोड़ रुपया अगर राव विधानसभा को मिला, ये किसी दूसरी मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं मिला होगा इतना एक साथ। ये गौरव का विषय है हमारे लिए। मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कमलनाथ जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि समय की मर्यादा है, सब परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूं कि अनुशासन बनाना है। कमलनाथ जी आपसे बात करेंगे, पर हमारे बीच में आदरणीय बाला बच्चन जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, आदरणीय सचिन यादव जी, हमारे दो भाई आदरणीय उस्मान पटेल और आदरणीय शंकर यादव जी, जिन्होंने, और आज एक और हमारा राजीव फर्सी वाला, एक हमारा साथी हमारे से चला गया था, वो भी कांग्रेस में आज फिर से आया है उसके साथियों के साथ। मेरा अनुरोध है, जरा कमलनाथ जी के पैर छू के हाथ मिला के जरा आजा तू भी आजा। ये दोनों भाई सर, ये मेरे गांव का छोटा भाई है हमारा, जरा जोरदार तालियों से फिर स्वागत करो। बस ठीक है, अब अंत में आ जाओ। अंत में आप सबसे अनुरोध है कि हमारे भाई जो कांग्रेस पार्टी में आज इतने साल की सेवाओं के बाद आए, मेरा अनुरोध है आप सबसे कि कमलनाथ जी ज्यादा बात करेंगे, मंच पर विराजित तमाम राव विधानसभा के और पूरे शहर के नेताओं के चरणों में नमन करके मैं आप सबको भी साधुवाद देता हूं और सारे राव परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जिस तरीके से पहले साइकिल से घूमता था, मुझे पता है व्यस्त है उसके कारण उतना नहीं घूम पा रहा हूं। जितना आप लोगों से मिलता जुलता था, उसमें भी चूंकि कमलनाथ जी ने मेरे कंधों पर जिम्मेवारी दी है, तो जरूरी है कि मुझे उधर सेवाएं देनी पड़ती है। पर रात दिन हर वक्त मुझे राव विधानसभा के परिवार की सेवा करने के लिए अंतर मन से ललक बनती है। अगर मैं कम मिलता हूं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मैं आपके लिए सोचता नहीं हूं। जो परिवार का साथी मुझे जब जैसा काम बताता है, मैं उसकी सेवा 100% करने की कोशिश करता हूं। पर इंसान हूं, कहीं छोटी मोटी चूक भी होती होगी। मैं सार्वजनिक तौर पे आप सबसे अनुरोध करता हूं कि राव विधानसभा 5 साल बाद ऐसी विधानसभा हो कि लोग इसको उदाहरण बनाएं, विकास को लेकर, यहाँ के प्यार को लेकर, परिवार को लेकर। हमने कभी कांग्रेस और बीजेपी नहीं की, हमने हमेशा राव विधानसभा में एक परिवार की बात की। मैंने जीतू जिराती जो मेरे सामने चुनाव लड़े थे, मधु वर्मा जी जो मेरे सामने चुनाव लड़े थे, उन दोनों को भी व्यक्तिगत रूप से जाकर यहां आमंत्रित किया था। यह इसलिए किया था कि ये राव विधानसभा एक हमारा परिवार है। हम इस राव विधानसभा में कोई राजनीतिक द्वंद्व के बजाय सार्वजनिक रूप से कैसे उन्नति मिले इसको, इसके लिए प्रयास करते हैं। एक बार फिर मैं सबके चरणों में नमन करके हमारे आदरणीय उस्मान पटेल जी से अनुरोध करता हूं कि आप कांग्रेस में आए हैं, कमलनाथ जी से हाथ मिला के जरा 2 मिनट में अपनी बात कहें। आओ उस्मान पटेल जी, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, माननीय जीतू पटवारी जी, सम्मानित मंच, यहाँ के मंच पर बैठे सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और राव के सभी नागरिक साथियों, मैं 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम करता रहा और सक्रिय रूप से मैंने काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा कुछ काले कानून लाए गए, सीए एनपीआर और एनआरसी लाने का प्रयास किया गया, उनके विरोध में मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी, क्योंकि वो मेरे समाज के हित में और देश के हित में नहीं थी। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और जीतू पटवारी जी और हमारे
नगर के अध्यक्ष पाकलीवाल जी और सभी हमारे नेता जितने वरिष्ठ नेता हैं मंच पर बैठे हैं सभी से करीब करीब मेरा विचार विमर्श हुआ और मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और मैं तन मन धन से कांग्रेस में साथ दूंगा और कांग्रेस को आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि कांग्रेस सभी वर्गों को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी वर्गों को साथ लेने का काम करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह भू अभियान पे प्रहार किए गए उनसे प्रभावित होकर मैं आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। आदरणीय हमारे भाई शंकर यादव जी जरा जोरदार उनके लिए तालियां बजाए वो भी आकर अपनी बात कहे। मनसा सिंह इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और मेरे सभी वरिष्ठ नेतागण, पिछले दिनों मेरे विषय में इंदौर शहर में बहुत चर्चाएं हुई कि मैं कुछ निजी कारणों से कांग्रेस को ज्वाइन कर रहा हूं। उस कारण का खुलासा भी मैं करूंगा परंतु सबसे बड़ा कारण जो मेरा कांग्रेस ज्वाइन करने का वो है आदरणीय कमलनाथ जी की जो भू माफियों के खिलाफ मुहिम है, उस मुहिम से इस इंदौर के हजारों गरीबों को जो प्लाट जो बरसों से 30-40 साल से भटक रहे थे उनको आस बंधी के कमलनाथ जी उनको अपना घर बना के देंगे। तो सबसे बड़ा कारण मेरा भू माफियों के खिलाफ कमलनाथ जी की मुहिम है वो है, वो जो मेरा निजी कारण बताया जा रहा है, मेरे भाइयों का कारण बताया जा रहा है, वो एक कानूनी न्यायालय का मामला है, मैं उसमें नहीं बोलना चाहूंगा। मेरा जो राजनीतिक करियर रहा है सन 1977-78 में वैष्णो कॉलेज की राजनीति मैंने की है, वहां पर हम चुनाव लड़ते थे, सुदर्शन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता वो हम आमने सामने चुनाव लड़े, लक्ष्मण सिंह गौड़ हम आमने सामने चुनाव लड़े, हम वहां चुनाव लड़ते थे और आदरणीय उजागर सिंह जी हमारे नेता थे 4 नंबर के, हम उनके साथ काम करते थे, उजागर सिंह जी के साथ हम लगातार दौरे करते थे और 1980 में हमने उजागर सिंह जी के नेतृत्व में 4 नंबर से जगदत्त जी शर्मा को विधायक बनाया था। 1983 में हमने हमारे वार्ड से भाई यशवंत रघुवंशी जी को हमने पार्षद बनाया था। जब मैं ये लक्ष्मण सिंह जी गोड़ के संपर्क में आया उनके साथ मैंने 30 वर्ष काम किया और उनके जाने के बाद पिछले 10 साल से जिस प्रकार से मुझे प्रताड़ित किया गया है, मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, मैं अगर उसका वर्णन करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मैं निजी कारणों से नहीं, मैं कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर एक आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में और मुझे लाने में जो सहयोग दिया सदाशिव जी यादव, उन सबका बहुत बहुत आभारी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।